इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अभिनेता अमिताभ बच्चन को लीगल नोटिस भेजा गया है। हरियाणवी कवि जगबीर राठी ने अमिताभ बच्चन को लीगल नोटिस भेजा है। उन पर कविता चोरी का इल्जाम लगाया गया है। राठी की कविता को फेसबुक पर पोस्ट करने का इल्जाम लगा है। राठी की ओर से 15 दिन में जवाब मांगा गया। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अभिनेता अमिताभ बच्चन पर हरियाणा के जाने माने कवि जगबीर राठी ने कविता चोरी का इल्जाम लगाया है। और आपको हम ये पोस्ट भी दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। अमिताभ बच्चन को लीगल नोटिस जारी किया गया है। फेसबुक पर पोस्ट की गई थी एक कविता, जो कि जगबीर राठी ने दावा किया कि ये उनकी कविता है, और उनको पोस्ट अमिताभ बच्चन के फेसबुक अकाउंट पर इसको पोस्ट किया गया है। इस वजह से लीगल नोटिस जगबीर राठी की तरफ से भेजा गया है और 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है अमिताभ बच्चन से। तो आपको बता दें कि अभिनेता अमिताभ बच्चन को लीगल नोटिस भेजा गया है जगबीर राठी की तरफ से, हरियाणवी कवि जगबीर राठी के तरफ से। जगबीर राठी की तरफ से ये लीगल नोटिस भेजा गया है अमिताभ बच्चन को। और आपको बता दें कि 15 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया है। किसी और नाम से ये कविता पोस्ट की गई है और विकास दुबे के नाम से ये, आप साफ तौर पर पोस्ट में देख भी सकते हैं कि विकास दुबे के नाम से ये जो कविता है वो पोस्ट की गई है। तो अमिताभ बच्चन को लीगल नोटिस जारी किया गया है जगबीर राठी की तरफ से, और एक कविता जिसको पोस्ट किया गया है फेसबुक पर विकास दुबे के नाम से। और जगबीर राठी जी हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़े हुए। जगबीर जी, क्या है पूरा मामला, जरा दर्शकों को बताइए। मामला यह है कि 3 दिन पहले मेरे एक मित्र का फोन आता है कि आपकी एक जो प्रसिद्ध कविता है कोर्ट में कुत्ता जी, वो अमिताभ बच्चन जी के जो फेसबुक का ऑफिशियल पेज है उस पे पोस्ट की है, और विकास दुबे नाम के किसी व्यक्ति के नाम से अमिताभ बच्चन ने शेयर की है जी। यहाँ तक मैं इस बात को बड़े सहज भाव से लिया, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी को जो भेजी गई होगी, विकास दुबे जी है कोई, उन्होंने अपने नाम से भेज दी, तो अमिताभ बच्चन जी को नहीं पता था वो मेरी है। उसके उपरांत मैं अमिताभ बच्चन जी को मैसेज करता हूँ, ये कविता विकास दुबे नहीं है, ओरिजिनली हरियाणवी में लिखी हुई मेरी कविता है, माटी का चूल्हा किताब से ली गई है जी, जो मैंने 2006 में लिखी थी। मैं इसे विभिन्न मंचों से सुनाता रहा हूँ, और इसको मैंने विभिन्न मंचों पे सुनाकर, जो खास तौर से हरियाणा में जो सेक्स रेशियो है उसके खिलाफ एक मुहिम का हिस्सा रही है जी। उसके बाद जब मैंने मैसेज किया तो मैंने अपने फेसबुक पे ये पोस्ट किया, तो मेरे जो जितने भी फॉलोअर्स हैं या मेरे मित्र हैं उन्होंने अमिताभ बच्चन के पेज पे लिखना शुरू किया कि विकास दुबे की कविता नहीं है, जगबीर राठी की कविता है। लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया। उसके उपरांत मैंने अमिताभ बच्चन के जो ऑफिशियल पेज है उसपे मैसेज किया जी, और मैंने अपनी किताब का स्कैन करके उस कविता को स्कैन करके उनके मैसेज बॉक्स में डाला। इसके उपरांत भी कोई मैसेज नहीं आया, तो मैंने उनका ट्विटर अकाउंट खोला तो वहां भी उन्होंने पोस्ट की हुई थी जी। उसके रिप्लाई में फिर मैंने वहां एविडेंस दिए कि ये कविता मेरे द्वारा लिखी है, 2006 में किताब आई माटी का चूल्हा, उसमें मैंने ये कविता लिखी कोर्ट में कुत्ता, जो एक जो भ्रूण हत्या है, कन्या शिशु हत्या के खिलाफ एक मुहिम का हिस्सा रही है जी। इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं है, तो मेरे कवि मित्र हैं डॉक्टर सुनील जोगी, मैंने उनसे बात की, वो अमिताभ बच्चन से संपर्क में है जी, तो उन्होंने मुझे अमिताभ बच्चन जी के कार्यालय का नंबर दिया कि उनका यहाँ वहां बात करके आप फैक्ट से उनको अवगत कराओ। वहां उनके कार्यालय में जो ऑपरेटर्स हैं उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनको ये बताया मेरी ये प्रॉब्लम, उन्होंने मुझे एक ईमेल आईडी दी, उस ईमेल आईडी पे पुनः मैंने सारी चीजें स्कैन करके और अपना सबमिशन दिया जी। उसके बाद मैंने कोरियर से किताब और सारे एविडेंसेज अमिताभ बच्चन का जो निवास है जुहू में जलसा वहां कोरियर की जी। लेकिन इसके बावजूद भी ना तो पोस्ट से विकास दुबे का नाम हटा, ना ही वो पोस्ट हटी, ना वो क्रेडेंशियल बदले गए, और उस पर 1,72,000 के लगभग लाइक आ चुके हैं और 15,000 लोग उस कविता को विकास दुबे के नाम से शेयर कर चुके हैं। ये मेरे लिए बड़ी आहत करने वाली बात थी। ये वैसे ही है कि जैसे आपके बच्चे को कोई उठा ले जाए और अपने नाम का बच्चा बताकर उसे प्रस्तुत कर दे जी, क्योंकि कोई भी रचक अमिताभ बच्चन की एक बात बताइए, आपकी बातों से ये साफ है कि आपने बहुत कोशिशें की हैं इस बात को लेकर के, लेकिन क्या आपने विकास दुबे को कोई लीगल नोटिस भी भेजा है? विकास दुबे नाम का कोई उसका मेरे पास पता नहीं है, वो सिर्फ अमिताभ बच्चन के जो एफबी का ऑफिशियल पेज है उसे फॉलोवर है, उसका पता, उसका लिंक मुझे अमिताभ बच्चन जी से मिल सकता है,
तो इससे इसलिए पहले मैंने अमिताभ बच्चन जी से प्रार्थना की कि विकास दुबे जी उनको समझाओ कि किसी की रचनाएं चुराते नहीं है और ऐसा करना बिल्कुल अपराध है, साहित्यिक अपराध है जी। और अगर कानूनन बात करें तो कॉपीराइट एक्ट के खिलाफ भी है ये बात। अमिताभ बच्चन जी का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, बिल्कुल मैं उनका प्रशंसक। साथ ही साथ जगबीर जी, अमिताभ बच्चन को आपने लीगल नोटिस तो भेज दिया है, लीगल नोटिस में किन किन बातों का जिक्र है और आगे क्या करने के मूड में है आप? मैंने उनको यही कहा है कि आप एक खुद आर्टिस्ट हैं, आपके पिता राष्ट्र के बहुत बड़े कवि रहे हैं, जी उनकी उनकी कविताओं को कोई अपने नाम से कहीं छाप दे तो जितनी तकलीफ आपको पता है हो सकती है वो मुझे भी हो रही है। मैंने मेरे बार बार कहने पर भी आपने इसके क्रेडेंशियल चेंज नहीं किए। मैं देखो मैं अपनी कविताओं के माध्यम से अपना मेरा व्यवसाय नहीं है लेकिन समाज सेवा का साधन है जी मेरे कवि सम्मेलनों से जो आय होती है मैं अपने जो मेरे विश्वविद्यालय के गरीब बच्चे हैं उनकी मदद करता हूँ। मैं समाज में कोई कोई ऐसा है जो मेरे कविताओं की कमाई से लाभ उठा सकता है मैं उसको करता, इसलिए मैंने उनको फाइनेंशियल कंपनसेशन का भी लिखा है मैंने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगबीर राठी जी हमसे बातचीत करने।